हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम माउंट लिट्राजी स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 1, कंप्यूटर अ मशीन। बच्चे, इन ग्रेड 1 यू हैव लर्नड अबाउट कंप्यूटर, दैट कंप्यूटर इज अ मशीन, राइट? इट वर्क्स वेरी फास्ट, है ना? लाइक दिस यू हैव लर्नड इन ग्रेड 1 ना, कि कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है, ये कभी मिस्टेक नहीं करता, कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, ऐसा पढ़ा है ना हमने ग्रेड 1 में। नाउ इन ग्रेड 2 यू विल लर्न वेयर यू कैन यूज अ कंप्यूटर सिस्टम एंड हाउ अ कंप्यूटर इज बेटर देन अ मैन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ चैप्टर कंप्यूटर an electronic device. What do you mean by electronic device, bachche? The device which works on electricity. Aisi device, bachche, jo electricity pe kaam karti ho, usko kya bolte hain? An electronic device. So, start with chapter number 1. We are going to start, bachche. See, computer is an read this first line. Computer is an electronic device. As I told you now, the device which works on electricity, that is known as electronic device. So computer hamara electricity pe chalta hai na bachche, jab light chali jati hai computer band ho jata hai, to isliye computer ko kya bolte hain? Electronic device. Okay, second line, it used almost everywhere. आप इसको हर जगह यूज़ कर सकते हो, लाइक आप हॉस्पिटल्स में, है ना, स्कूल्स में, मॉल्स में, ऑफिसेज में, हर जगह यूज़ करते हो ना कंप्यूटर को, तो इसलिए कंप्यूटर को आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। इट इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी वेयर। ओके, थर्ड लाइन, अ कंप्यूटर हेल्प्स अस टू डू मैनी थिंग्स। कंप्यूटर हमें बहुत कुछ करने को हेल्प करते हैं, जैसे कि एज यू कैन सी वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स, आप ड्राइंग बनाते हो ना, वी कैन प्ले गेम्स, हम गेम्स भी खेल सकते हैं, वी कैन टाइप लेटर्स, जैसे मैम आपको पेपर टाइप करके देते हैं ना, है ना, देते हैं ना पेपर टाइप करके प्रिंट आउट निकाल के, तो आप लेटर्स भी टाइप कर सकते हो, एंड सॉल्व सम्स, एंड वी कैन सॉल्व सम्स ऑल्सो, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब भी कर सकते हैं हम कंप्यूटर से, ठीक है। We can watch movies and cartoons, that all we know, कि हम कंप्यूटर पे मूवी भी देख सकते हैं और कार्टून भी देख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी कैन लिसन म्यूजिक, हम कंप्यूटर पे गाने भी सुन सकते हैं ना बच्चे, है ना। नाउ इन दिस चैप्टर बच्चे, वॉट यू विल लर्न, हाउ इज अ कंप्यूटर इज बेटर देन अ मैन। एक कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर है वो हमारे जैसे इंसानों से ज़्यादा बेटर क्यों है, राइट? तो वन बाय वन आई विल टेल यू, लिसन इट वेरी केयरफुली, रीड दिस फर्स्ट पॉइंट। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन डू मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम। तो बच्चे, आपने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था, अगेन द सेम पॉइंट इज हियर, अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत जल्दी काम करता है और एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे हम एक साइड पे सॉन्ग लगा लें, है ना, दूसरी साइड पे हम अपने सम सॉल्व कर लें, राइट? तो ऐसे कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, ठीक है। उसी के ऑपोजिट इंसान है, हम लोग हैं। अ मैन इज नॉट एज फास्ट एज अ कंप्यूटर, हम जो इंसान होते हैं हम कंप्यूटर के जितने फास्ट नहीं होते, राइट? चलो मूव टू सेकेंड पॉइंट, नाउ रीड दिस सेकेंड पॉइंट। अ कंप्यूटर हैज अ गुड मेमोरी, इट नेवर forgets anything that
इज स्टोर्ड इन इट. मीन्स बच्चे हमने एक बार जो भी डाटा कंप्यूटर में सेव कर दिया, कंप्यूटर उसको कभी भी नहीं भूलता जब तक कि हम उस डाटा को डिलीट ना कर दें कंप्यूटर में से. ठीक है, वो हमेशा कंप्यूटर की मेमोरी में सेव रहता है. इसके ऑपोजिट अ मैन मे फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन हिज माइंड. हम लोग हैं जो वो भूल जाते हैं ना कि मैम ने क्या बोला था, मम्मा ने क्या बोला था, भूल जाते हैं ना, है ना. पर कंप्यूटर है ना, वो कभी कुछ नहीं भूलता. ओके, चलो मूव टू थर्ड पॉइंट. अ कंप्यूटर डजंट मेक एनी मिस्टेक. अगर हम कंप्यूटर को सही इनपुट दे रहे हैं बच्चे, है ना, तो वो हमेशा सही काम करता है, वो कभी कोई गलती नहीं करता. जैसे हम लोग हैं, है ना, हम सॉल्व करते हैं, सम सॉल्व करते हैं या कुछ लिखते हैं, तो हम उसमें मिस्टेक्स करते हैं ना, है ना. फिर मैम हमें चेक भी करके देते हैं, राइट. तो अ मैन कैन मेक मिस्टेक्स बट अ कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक्स. कंप्यूटर कभी भी कोई भी गलती नहीं करता बच्चे. ओके, चलो मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीजंस. बच्चे कंप्यूटर कभी भी खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता. अगर हम उसको बोलेंगे कि इस पेपर को प्रिंट कर दे, तभी वो प्रिंट करेगा, खुद से तो वो प्रिंट नहीं करेगा ना. अगर हम बोलेंगे इसका एडिशन कर दे दो नंबर्स का, तभी कंप्यूटर एडिशन करेगा, खुद से तो नहीं करेगा ना. तो हमें उसको ऑर्डर्स देने पड़ते हैं, वो खुद से कभी कुछ नहीं करता. इसके ऑपोजिट अ मैन कैन टेक हिज ऑन डिसीजंस. मैन जो आदमी है, हम लोग हैं, हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं. हम सोचते हैं ना, नहीं आज तो मैं चपाती नहीं खाऊंगी, आज मैं आलू वाली परौंठी खाऊंगी, ऐसे सोचते हो ना, तो आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो ना. बट कंप्यूटर ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकता. ओके बेटे, मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ मैन्स ऑर्डर. अभी जैसे मैंने आपको बताया बच्चे, अगर हम कंप्यूटर को ऑर्डर देंगे तभी कंप्यूटर काम करेगा. अपने आप कंप्यूटर ना तो सोच सकता है और ना ही कुछ कर सकता है. बस इसके ऑपोजिट एक इंसान, हम जैसे लोग सोच भी सकते हैं. एंड अ मैन डजंट नीड एनी ऑर्डर टू वर्क. और आदमी को काम करने के लिए ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है. आपको पता है बच्चे आपने क्या करना है. जैसे आपको पता है कि 10 बजे आपकी क्लास है ना, तो आप लगाते हो ना क्लास. आपको पता है, आपको ऑर्डर तो नहीं आता ना रोज़ रोज़ की, हाँ भाई चलो क्लास लगाओ. आपको एक बार बता दिया, अब आपको पता है कि आपकी 10 o'clock क्लास है. ठीक है, तो एक अ मैन कैन टेक हिज ऑन डिसीजन एंड अ मैन डजंट नीड एनी ऑर्डर टू वर्क. ना तो एक इंसान को डिसीजन, एक इंसान डिसीजन भी खुद ले सकता है और उसको ऑर्डर देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. इसके ऑपोजिट है, कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले सकता और उसको ऑर्डर देने पड़ते हैं. ओके, चलो मूव टू लास्ट पॉइंट बच्चे. अ कंप्यूटर डजंट हैव एनी फीलिंग्स. बच्चे कंप्यूटर की कभी कोई फीलिंग्स नहीं होती. ठीक है, कभी आपने कंप्यूटर के मारा मॉनिटर पे, तो वो बोलेगा आई मेरे को चोट लग गई, बोलता कभी वो, या कभी बोलता मैं थक गया हूँ. नहीं ना, कभी वो खुश होता है, सैड होता है, नहीं ना बच्चे. तो कंप्यूटर की कभी कोई फीलिंग नहीं होती, ना ही कभी वो हंसता है, ना ही कभी वो रोता है, है ना. ऑपोजिट इट अ मैन हैज फीलिंग्स. हम लोग हैं, हमें कोई मारता है, हम हर्ट होते हैं ना, हम रोने लग जाते हैं, हम खुश भी होते हैं, है ना. तो कंप्यूटर्स की कोई फीलिंग्स नहीं होती. ठीक है, बट ह्यूमन बींग्स की फीलिंग्स होती हैं. ठीक है बच्चा, तो फॉर टुडे दिस मच. ठीक है, आई विल टीच यू अबाउट कंप्यूटर एंड डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. दिस वॉज योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम माउंट लिटरेसी स्कूल. थैंक यू.